नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च फिलहाल रोका। किसान मजदूर मोर्चा ने कहा कि 23 फरवरी को बैठक के बाद लिया जाएगा अगला फैसला। वहीं किसान शुभकरण की मौत के बाद भारतीय किसान यूनियन ने जलंधर लुधियाना की सीमा पर जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे किया जाम। इसके साथ ही हरियाणा में भी भारतीय किसान यूनियन ने रोड जाम कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में नई याचिका दायर। पंचकुला के वकील ने याचिका में कहा कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर माहौल हो रहा खराब। यहां पोकलैन और जेसीबी मशीनें लाई जा रही, इसके साथ ही मॉडिफाइड ट्रैक्टर भी आ रहे हैं। बता दें कि हाईकोर्ट में ये चौथी जनहित याचिका है। वहीं हाईकोर्ट में इस मामले की अब 29 फरवरी को होगी सुनवाई। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो किया शेयर। भाजपा ने लिखा का संदेश खाली एक ऐसा सच जिसे देखकर कांप जाए रूह। ममता बनर्जी इस सच को छुपाने की कर रही कोशिश। 20 मिनट 41 सेकंड की इस डॉक्यूमेंट्री में संदेश खाली की महिलाओं ने बताया अपना दर्द। शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा 7वां सम्मन। एजेंसी ने उन्हें 26 फरवरी को पेश होने को कहा। बता दें कि अब तक एक बार भी केजरीवाल एजेंसी के सामने नहीं हुए पेश। आम आदमी पार्टी ने एजेंसी के सम्मन को बताया राजनीति से प्रेरित। बॉर्डर पर पंजाब युवा किसान की मौत के बाद अब हरियाणा के किसान संगठन भी हुए सक्रिय। युवा किसान की मौत से आहत चडूनी ग्रुप ने प्रत्येक जिले में 2 घंटे रोड किए जाम। बता दें कि गुरनाम सिंह चडूनी ने देर रात वीडियो जारी करते हुए हरियाणा में रोड जाम करने का किया था ऐलान। चडूनी ने कहा कि किसानों पर गोलियां चलाकर सरकार अपना रही तानाशाही रवैया। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ हुई शुरू। सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल सदन में रखे। वहीं सदन का तीसरा दिन रहा हंगामेदार। कांग्रेस ने बेरोजगारी अपराध घोटालों पर सरकार को घेरा। हरियाणा के जिला पानीपत में कुत्ते के काटने के बाद रेबीज बीमारी से ग्रस्त 25 साल का युवा इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रोड तक किया रेफर। बता दें कि इस सप्ताह रेबीज से ग्रस्त पिछले 10 दिन में आज का ये दूसरा मामला। बता दें कि इस सप्ताह में रेबीज से ग्रस्त पिछले 10 दिनों में ये दूसरा मामला सिविल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों का कहना है कि रेबीज इतनी खतरनाक बीमारी की इससे जा सकती है मरीज की जान। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ में हुई मीटिंग। देश भर के 100 से ज्यादा किसान नेता पहुंचे। बैठक में किसानों ने मांगों को लेकर तैयार की रणनीति। मीटिंग शुरू होने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो किसान आंदोलन चला रहा है उनके लिए सभी किसान संगठनों को होना होगा एकजुट। 1 से 14 मार्च तक होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया ये फैसला। 1 मार्च को गवर्नर विधानसभा को करेंगे संबोधित। उनके संबोधन पर 4 मार्च को होगी बहस। 5 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा करेंगे बजट पेश। बता दें कि इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया है कि शहीद पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को दी जाएगी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। पंजाब के जगराओं में आम आदमी पार्टी के युवा नेता गोपी शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी। आप नेता ने पुलिस को लिखित में दी शिकायत। शिकायत में नंद किशोर उर्फ गोपी शर्मा ने बताया कि उसकी पत्नी ने अपने वार्ड में पार्षद का चुनाव रविंदर सम्रवाल उर्फ फीना की पत्नी के खिलाफ लड़ा था, जिसके बाद फीना का परिवार उससे रखने लगा रंजिश। इसी रंजिश के चलते उन्हें मैसेज के जरिए मिल रही जान से मारने की धमकियां। सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहें यूट्यूब चैनल।